प्रेम और करुणा के स्वर में श्रीनगर में एक दिल छू लेने वाला दृश्य देखने को मिला जब गुजरात स्थित गैर सरकारी संगठन जेयू कुलसुम तालीम केंद्र के सहयोग से जफरिया काउंसिल जम्मू और कश्मीर द्वारा आयोजित एक सामूहिक विवाह समारोह में 40 वंचित जोड़े अपनी वैवाहिक यात्रा पर निकले। यह कार्यक्रम शुक्रवार को श्रीनगर के अमर सिंह क्लब सोनावर में आयोजित किया गया। जो एकता की भावना और उदारता की परिवर्तनकारी शक्ति से गूंज उठा। इस नेक पहल के केंद्र में जाफरिया काउंसिल जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष हाजी मोसादिक हुसैन मनहास थे, जिन्होंने अधिक सहानुभूति पूर्ण और सहायक समाज को बढ़ावा देने में ऐसे प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने सामूहिक कार्यवाही के प्रवर्तनकारी प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए उन भाग्यशाली लोगों से वंचितों के प्रति अपनी करुणा बढ़ाने के लिए भव्य शादियों में शामिल होने का आग्रह किया। वंचित जुड़ों को सशक्त बनाने के गौरवपूर्ण ट्रैक रिकॉर्ड के साथ जाफरिया काउंसिल ने सामाजिक बोझ को कम करने के लिए लगातार अपनी अटूट प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है। मनहास ने 2015 में 38, 2016 में 70, 2017 में 75, 2018 में 105 और 2019 में 83 शादियां आयोजित करने का हवाला देते हुए अपनी उल्लेखनीय उपलब्धियां गिनाई, जबकि महामारी ने 2020 में उनके प्रयासों को अस्थायी रूप से बाधित कर दिया था। परिषद का लचीलापन चमक गया क्योंकि उन्होंने 55 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। 2021 और 2022 में प्रत्येक विवाह इस वर्ष चुनौतियों का सामना करने के बावजूद वे अपने मिशन में दृढ़ रहे और 40 वंचित जोड़ों के लिए विवाह समारोह की सफलतापूर्वक व्यवस्था की। पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सहायता चाहने वाले जोड़े खोमनी चौक वेमिना श्रीनगर में परिषद के कार्यालय में पंजीकरण कराते हैं। अपनी परिस्थितियों के सत्यापन के बाद योग्य जोड़ों को आवश्यक सहायता प्राप्त होती है। समुदाय की भागीदारी के लिए हाजी मोसादिक मनहास की भावुक अपील गहराई से प्रतिध्वनित हुई, जो परिषद के मिशन को परिभाषित करने वाली देने की भावना को प्रतिध्वनित करती है। जैसे ही जोड़ों ने प्रतिज्ञा ली और एक साथ अपने नए जीवन की शुरुआत की, हवा स्पष्ट रूप से आशा और वादे से भरी हुई थी। जाफरिया काउंसिल की वंचित जोड़ों को सशक्त बनाने की अटूट प्रतिबद्धता प्रेरणा की किरण के रूप में काम करती है, जो एक अधिक न्यायपूर्ण और दयालु समाज की दिशा में मार्ग प्रशस्त करती है। आदिल की रिपोर्ट। और 25 जो हैं वो कौम की गरीब बच्चियां हैं, और इस वक्त का जो हमारा पूरा टोटल हो चुका है वो 535 जोड़ों की शादियां इस वक्त तक हो चुकी है, जो कि दूल्हा 535 और दुल्हन 535, ये 1070 शादियां होती हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम अभी हमारी हिम्मत बिल्कुल मजबूत है और हम चाहते हैं अभी बहुत आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह ये, लेकिन कौम का भी साथ चाहिए, हमें आवाम का साथ चाहिए और खलूस चाहिए। जहाँ तक मेरा ख्याल है, अगर खलूस पैदा हो जाए, जिस तरह हमारे नौजवान यहाँ पर उठे हैं, वो भी शुरू किया है उन्होंने अभी 2-3 साल पहले से, तो मुझे लगा पूरे सर्वे करने हैं और सर्वे करने के बाद फिर इसको पाया तकमील तक पहुँचाना है। तो ये हमारे लिए कोई आज ही 40 शादियों की कोई नई बात नहीं है, इंशाल्लाह आगे भी हम। तो हाजी साहब, मैसेज क्या रहेगी आपकी तरफ से? मेरा मैसेज ये है कि एक तो जो मौलाना लोग हैं, इनको मस्जिदों के अंदर जबरदस्त इनको एक बजाबता कहना चाहिए कि भाई जितने भी हमारे उन जोड़ों की निशानदेही करनी चाहिए, कितनी बच्चियां हैं जिनकी शादी नहीं हो सकी है। मैंने देखा साथ साथ 5-5 बहनें हैं एक एक जगह, वो बेचारी बैठी हुई है, या तो वो कालीन बाफी के काम को लगाई है बाप माँ ने। ये मैसेज तो, मेरा मैसेज यही है कि भाई आप लोग जो साहिब सरवत लोग हैं, वो जब अपनी बेटियों की शादियां कराएं, बेटों की शादियां कराएं, वहां वो अपने हमसाये में देखें कि कौन सी मुस्तहिक है, उन बच्चियों को वो प्रायोरिटी दे, उन बच्चों को वो प्रायोरिटी दे। तो मुझे लगता है समाज में जो हमारे जितने लोग रह गए हैं, इन सबकी शादियां हो जाएंगी। चलो, शुक्रिया।